2015 में बड़ी संख्या में ग्राहक हर 6 महीने में अपना हैंडसेट अपग्रेड किया करते थे। 2016-17 में वो 9 से 12 महीने में ऐसा करने लगे और साल 2020 में यह अवधि बढ़कर 2 साल हो गई। आज उद्योग का अध्ययन करने वालों का अनुमान है कि यूजर्स लगभग 2.5 सालों तक अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ग्राहकों के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को देखते हुए ओप्पो ने ऐसी टिकाऊ डिवाइस बनाने के लिए अपने R&D प्रयासों को बल दिया है जो लंबे समय तक चल सके, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी है। ओप्पो के क्षितिज अरोरा द्वारा दी गई है। स्मार्टफोन की उम्र बढ़ाने में बैटरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओप्पो के पास सुपरवोक फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है और अब यह अपने प्रोप्राइटरी बैटरी हेल्थ इंजन के साथ अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है। BHE चिप में बेहतर सुरक्षा परफॉर्मेंस के लिए स्मार्ट बैटरी हेल्थ एल्गोरिन और बैटरी हीलिंग टेक्नोलॉजी है। यह एल्गोरिन बैटरी की आयु बढ़ाने के लिए अधिकतम चार्जिंग करंट को डायनेमिक रूप से समायोजित व नियंत्रित करती है और चार्जिंग की तीव्र परफॉर्मेंस प्रदान करती है। दूसरी तरफ बैटरी के सामान्य चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के चक्र में ओप्पो की बैटरी हीलिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोड्स को निरंतर रिपेयर कर बैटरी लाइफ बढ़ाती है। रेनो 8 सीरीज में इन टेक्नोलॉजीज के साथ ओप्पो ने बैटरी चार्ज साइकिल को 1600 तक बढ़ा दिया है जो उद्योग में प्रचलित 800 चार्ज साइकिल के औसत का 2 गुना है। ओप्पो की बैटरी अब 4 सालों तक अपनी ओरिजिनल क्षमता के 80% तक बनी रहती है और सुरक्षा के वही उच्च प्रदान करती है, इसलिए यह बाजार में सबसे ज्यादा बड़ा स्मार्टफोन बैटरी लाइफ स्पैन प्रदान करती है। Hi everyone, this is Kshitij Arora, product manager Renault series at Oppo India and a proud Renault user. And हमें 2 महीने हो गए इस फ़ोन को लॉन्च करे हुए एंड वी हैव रिसीव्ड अमेजिंग लव अक्रॉस द कंट्री। बट आई एम टुडे मैं इसके फीचर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, फीचर्स अमेजिंग है ही सही, दैट्स वाई वी आर लव रिसीविंग सो मच लव। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट दिस फ़ोन इज़ बिल्ट टू लास्ट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूरेबल बैटरी है और आप देखेंगे तो एक इंडस्ट्री एवरेज चार्ज साइकिल्स हैं वो 800 है और इस प्रोडक्ट में वी आर प्रॉमिसिंग 1600 चार्ज साइकिल्स। और वो एक स्मार्ट बैटरी हेल्थ इंजन टेक्नोलॉजी से बनता है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एल्गोरिदम है, स्मार्ट इंजन एल्गोरिदम, और एक बैटरी हीलिंग टेक्नोलॉजी है। एल्गोरिदम मैक्सिमम और ऑप्टिमाइज करंट प्रोवाइड करता है टू द फोन सो दैट वो रियल टाइम में ट्रैक करता है एंड दैट एक्चुअली प्रोलॉन्ग्स द बैटरी लाइफ स्पैन। दूसरा पार्ट जो है दैट इज़ बैटरी हीलिंग टेक्नोलॉजी। बैटरी में इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स में वो हील करता है। सो दीज टू इन कॉम्बिनेशन एक्चुअली मेक्स द स्मार्टफोन एक्सट्रीमली ड्यूरेबल इन विद बैटरी एंड 1600 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड करता है। सेकेंड बिट टू इट इज़ द स्मूदर ऑपरेशन, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपका बहुत स्मूथ रहता है। सो वी हैव बिन सर्टिफाइड बाय TÜV SÜD, 36 मंथ्स फ्लुएंसी रेटिंग ए मिला है हमें, कि आप नया फ़ोन लेते हैं तो एकदम नया चलता है, बहुत स्मूथ चलता है और 3 साल बाद भी हमारा प्रॉमिस है कि वो स्मूथ चलेगा, बहुत बहुत आराम से, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स, यू कैन रन मल्टीपल एप्स। देन वी ऑल्सो हैव 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स जो आपको फ़ोन को नई लुक भी देता रहेगा एंड उस दैट ऑल्सो ColorOS 13 हैज़ जस्ट बिन रिसेंटली लॉन्च्ड, दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू रन 18 लाइव एप्स इन द बैकग्राउंड। देन ऑल्सो वी हैव 4 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स, सो आपको आई थिंक सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट एक्चुअली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम एनी वायरसेज एंड मैलवेयर। सो 4 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगा एंड दिस ऑल्सो फ़ोन इज सर्टिफाइड बाई ISO, TrustArc एंड ई प्राइवेसी, दैट एक्चुअली इंश्योर्स 4 ईयर्स ऑफ दैट सिक्योरिटी अपडेट्स। अपनी ड्यूरेबिलिटी के वादे के तहत ओप्पो ने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि इसके नए लॉन्च किए गए रेनो 8 सीरीज के हैंडसेट नए होने पर और 36 महीनों तक लगातार इस्तेमाल होने के बाद भी सुगमता से चले। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN News, नागपुर।